हम एक्चुअली आज वैसे ही घूमने निकले हुए थे, हमें कुछ कुछ काम था, लेकिन अभी अभी हम एक बहुत ही स्पेशल प्लेस से आ रहे हैं। फ्राइज 1, फ्राइज 2, डिप 1, डिप 2, डिप 3। बाबा सास बहू की जोड़ी कहाँ घूम के आई है? वेलकम है जी एक और डेली व्लॉग में। आज सुबह सुबह नाश्ता करेंगे पंडित जी पे। इतने महीनों बाद सुबह सुबह पंडित जी का पराठा खाया जा रहा है, दी ऑसमेस्ट पराठा एवर, विद साथ में ये मसाला। दिस मसाला विंस माय हार्ट। बचपन में आते थे सुबह सुबह खाने, और स्पेशल चाय के साथ खाएंगे इसको। बचपन में स्कूल के टाइम पे आते थे 10th 11th पे पंडित जी, और रोज आते थे ना, जब ऑलमोस्ट रोज ही आते थे, स्कूटी पे आते थे, सुबह सुबह इतनी ठंड होती थी, एक पराठा खाते थे और उसके बाद आके मस्त सोते थे। वो ट्रेडिशन अभी फिर से कर रहे हैं। अब जाएंगे फिर काम कुम करेंगे, पराठे के बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही स्कूल में पंडित जी के पराठों के बाद क्लास लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए लास्ट सीट में बैठ के सोते थे। किसी को बताना मत ये चीज, और आप लोग पढ़ाई करना। यूजुअली पंडित जी के पराठे खा के बढ़िया सी नींद लेते हैं, बट अभी काम वगैरह करेंगे क्योंकि काफ़ी सारा काम पेंडिंग भी है, और वो जस्टिफाई भी हो जाएगा ना इतनी सुबह सुबह इतना ग्रीसी सैचुरेटेड खाना खाना। जो पराठे बहुत सही थे और मेरे को और ये जबरदस्त नींद। आज हम दोनों अभी हम एक्चुअली आज वैसे ही घूमने निकले हुए थे, हमें कुछ कुछ काम था, लेकिन अभी अभी हम एक बहुत ही स्पेशल प्लेस से आ रहे हैं, जहाँ हमें इतना, दैट प्लेस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड वहाँ पे हमें इतना प्यार मिला, इतना सो मच लव एंड अफेक्शन, एंड स्पेशली टू माई बेटी, थैंक्स अलॉट। मैं उन सबको थैंक्स अलॉट, हार्टियत थैंक्स। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, अब इसको भी। अब हम वहाँ से आए ब्लेसिंग्स एंड लव। सो आई थिंक आई हैव रिसीव्ड इतना सारा प्यार वहाँ पे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे सबसे। सो स्वीट, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। और अब हम जा रहे हैं जहाँ, जिस काम से हम एक और काम पे आए हुए हैं वहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे। वहाँ पे भी हमने खाया, हमें बहुत प्यार से खिलाया गया, लेकिन अभी हम एक जगह और जाएंगे, फिर हम दोनों कुछ, हमने तो कुछ खाना ही है ना एक्चुअली, ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि नहीं खाएंगे, तो हम तो खाएंगे, तो उसके बाद फिर घर पहुँचेंगे, थोड़ा घूम के, थोड़ा कुछ ऐसे ही मस्ती मार के। गर्मी तो बहुत है, और अभी ना शादी के बाद ना घर में कुछ कुछ काम लगे रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह ऑफिस में आके काम वगैरह अपना खत्म करूँ, ताकि घर जाऊँगा तो लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है। ऑफिस हम लोगों ने किस चीज़ के लिए लिया वो आपको आने वाले एक दो महीने में पता चल जाएगा, शायद उससे जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है, बट इस व्यू को ना इन्जॉय करने के लिए अभी टाइम परफेक्ट है नहीं, क्योंकि तापमान हो रखा है 38 डिग्री, बट इट फील्स लाइक 45। यहाँ पर टेबल टेनिस का पिंग पोंग टेबल भी है, बट जब बड़े पाजी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, अभी बड़े पाजी बहुत सारे काम वगैरह जैसा होती है शादी के बाद, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ जाती है, तो जब बड़े पाजी ऑफिस आना शुरू करेंगे तो मैं और बड़े पाजी दोनों मिलकर साथ में खेला करेंगे पिंग पोंग, लंच ब्रेक में खेला करेंगे, बाकी टाइम काम। व्हेन इन वर्क, वर्क मोर, प्ले ऑल्सो मोर, बट वर्क उससे ज़्यादा। काम करना अच्छी बात है, काम क्या करो। जिंदगी में पहली बार लैंड केबल लगाई है मैकबुक पे। मेरे को मैकबुक यूज़ करते हुए कुछ 2 या 3 साल हो गया, आज तक कभी भी नीड नहीं पड़ी। एक तो क्या होता है ना, मैकबुक में आपको ये इथरनेट वगैरह कुछ भी डोंगल लगाना होता है ना, आपको एक और डोंगल चाहिए होता है, तो लकीली बैग में पड़ा था, मैंने सोचा आज लगा के देख लेता हूँ। ऐसे फीलिंग आ रही है ना कि हम लोग कितनी पीछे चले गए, कोई जुगाड़ बैठाओ, बहुत ठंडा हो रखा है। बाद में निकालना होगा तो गत्ता निकल जाएगा। अभी मैं सोचूं मेरे को इतनी ठंड क्यों लग रही है कल से। हम आ गए हैं, अब हमने डिसाइड किया है बहुत गर्मी है, तो वी नीड समथिंग ठंडा। मम्मी जी आप क्या ले रहे हो? आइसक्रीम मैंगो शेक। एक्चुअली हमने सोचा था हम कुछ खाएंगे, लेकिन पेट हमारा बहुत भरा हुआ है, तो इस वक्त हम गर्मियों में यही अच्छा लगता है, नहीं तो हमने सोचा था पापड़ी चाट खानी है। हाँ। ना हम दोनों ने यही सोच के आए थे पापड़ी चाट खानी है, अब पापड़ी चाट हमारी ड्यू है, हम कभी भी खाएंगे, फिर नेक्स्ट कभी फिर घूमने निकलेंगे खाएंगे। अब घर वाले भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम दोनों निकले हुए हैं बाहर, अब हम घर पहुंचेंगे थोड़ी देर में और एंजॉय करेंगे। लंच ब्रेक का टाइम है, अब ये व्लॉग मम्मा देखेगी और बोलेगी बेटा कल से घर का खाना पैक करके लेके जाना।
लवली यम्मी। एसी ने ना सुबह से परेशान कर रखा था, इतना चिल्ड हो रखा था ना, इतना चिल्ड। आप कमेंट्स में बताओ आप एसी अपना कितने नंबर पे चलाते हो। और मैं ऑनेस्टली वो बंदा हूँ जो 26-27 कभी बार 28 पे एसी चलाता था, और एसी सुबह से भैया ने 20 पे कर रखा था, और हमारे जो कैबिन का जो एसी था वो उसका डक्ट पूरा खाली था, मतलब ऐसा वो 20 वाला ऐसे 10 वाली फीलिंग दे रहा था, ऐसा ही कुछ था। तो उसको फिर रिपेयर करा, तो अब जाके एसी थोड़ा सही चल रहा है। मैंने तो ये ब्लाइंड्स वगैरह इसलिए खोल रखा था ताकि एसी का थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा कटे, धूप से एसी कटे। आई थिंक मुझे बर्गर पे ही फोकस करना चाहिए। डैम गुड प्रीति। पहले बहुत प्लेन्स में मिलते थे, तो हम इसको वही एरोप्लेन वाली बोलते थे। खट्टी मीठी इमली, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी। गाय तो ये सब खाते ही नहीं है, मीठा खाना नहीं है कुछ भी, वो हेल्दी खाते हैं। लिया अपना आम पापड़ लिया है हम लोग, खट्टा मीठा आम पापड़, और ये भी ले लेते हैं अनारदाना गोली। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और आप इसको पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। पोटैटो वेजेस, नाचोस, चिप्स, फ्राइज 1, फ्राइज 2, डिप 1, डिप 2, डिप 3। हाँ डूबे। ये किसका है? मारा ये? दो जी। When you come back home to Rajma Chawal, that is the best feeling ever. Only seconded by A plate of छोले भटूरे homemade। मम्मा घर के छोले भटूरे बनाए भी टाइम हो गया काफी। बेटा सब कुछ टाइम हो गया, बनाऊंगी सब कुछ बनाऊंगी। मम्मा ऐसे क्यों लगता है आजकल आप मेरे को रोज ही आप कल मेरे को आप डांट वाली टोन में बोलते हो। ऐसे ना कर दिया जाए, सवेरे खिला दो। भाई म्यूट करना जरा, म्यूट नहीं, सवेरे खिला दो छोले भटूरे। ब्लॉग चल रहा है इधर। मम्मा सवेरे खिला दो छोले भटूरे, दोपहर में खिला दो सांभर चावल, रात में खिला दो राजमा चावल, सारी तेरी एक ही दिन में सारी कर दे। पिकू पाजी ऑल विश कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स। काले चने वो शाम को खिला देंगे कबाब बना के उसके। नहीं नहीं काले चने चावल नहीं, और ब्रंच में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में तेरे को मोमो भी खिला देंगे। मोमो घर के नहीं, दाल मखनी। एक ऐसे ही व्लॉग बनाया जाए, और दाल मखनी और पिकू पाजी कंप्लीटेड इन 24। दाल मखनी नहीं तो जो बहुत हम्बल सी दाल होती है मूंगी धुली की दाल, उसका नंबर कब आएगा? नहीं फिर 48 आवर चैलेंज करो जी। मूंगी धुली की दाल जो है ना मजबूरी में खानी पड़ती है। मजबूरी में नहीं खानी पड़ती वो करेलो, या फिर करेलो के साथ कैप्सिकम, वो स्टफ्ड कैप्सिकम के साथ। अभी 2 दिन हुए नहीं तेरे को शादी का खाना खत्म करे, तेरे को छोले भटूरे भी चाहिए। घर वाला खाना अभी का तूने बनाया छोले भटूरे के साथ, घर वाला खाना बुरा मान जाता है। घर वाला खाना सबका ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ घूम के आया? सुनने में आया पड़ा आप दोनों घूम के आए हो। पापा सास बहू की जोड़ी कहाँ घूम के आई है? जो हमारे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, शादी की मिठाई खिलाने गए थे। हाँ, शादी की मिठाई खिलाने गए थे वहाँ पे। फिर और उसके बाद हमें कुछ अपना काम था, हमने वो काम किया, फिर हम घर आ गए। मैं बीच में वो जो क्विज वाला पार्ट था वो कहाँ गया? फोन पे कुछ पूछ रहे थे इससे। हाँ कुछ तो बोल रहे थे कि ऐसे कुछ लिया है सबकी पसंद का कुछ कुछ। हाँ हमने छोटा छोटा शूट भी किया। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, हाँ इसका क्विज करते हैं। वो जो शूट किया इसको दिखाया नहीं ना अभी। हाँ ये लेट आया। बताओ जी। उसमें काफी कुछ था लेकिन ये मत बताना कहाँ पे, नहीं तो इससे समझ आ जाएगी। आपने बता दिया। हाँ राती में कैसे आप? अच्छा चलो बाकी खाने का तो नहीं बताया। फिर आपको ये नहीं बताना, उसमें तो सब कुछ मिलता है। पहले पापा का बोलो। पापा का सेव, लहसुन सेव नहीं। अच्छा राउंड राउंड, चलो 3 हिंट दे दूंगा। राउंड राउंड गुजराती वाली दुकान पे गए तो गुजरात के बाखरवड़ी। बाखरवड़ी चकली, चकली वो मेरी इतनी फेवरेट नहीं है, वो ले आया ना इतनी फेवरेट। ये पेपर ही गलत सेट करा है किसी ने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है। नहीं ये फिगर पेपर है। ये है दो चीजें एक्चुअली पापा की फेवरेट आई है, और एक और है जो हम खाते हैं बहुत ज्यादा, अचार भी होता है मिर्ची का साथ में। थेपला हाँ, ये सही। अपना फेवरेट गेस करूं? नहीं, मम्मी जी का। पापड़ी, चटकारे वाली चीज, चटपटा आम पापड़। आम पापड़ हम सारे टाइप्स के ले आए। अब यही था आपका? हाँ नहीं, अच्छा ये तो कुछ और है। ओके
पापड़ी, पापड़ी चाट वहाँ खाएगी मम्मा, यहाँ थोड़ा लेके आएगी। गाठिया पापड़ी पसंद है मम्मा को तो, वैसे पसंद तो वही है गाठिया पापड़ी गुजराती से तो फेर हो रहा है। और आप लाते हो लहसुन वाली सेव, आपकी आती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आगे से इसका फेवरेट बोल देंगे, इसका फेवरेट बोल देंगे, इसका फेवरेट बोल देंगे, आगे से निकल रहे हैं। नम्रता का लास्ट में, क्योंकि नम्रता का तेरे को फेवरेट पता नहीं चलेगा, ऑल्दो ये वाला भाभी का फेवरेट भाई बता देगा फिर, बता दिया इसलिए कोई नहीं, अब तू गेस कर। अच्छा अब तू बता भाई का क्या खाते हो भाई आप? सबसे खाते या पीना या लिक्विड कुछ भी? इट कम्स इन अ पैक ऑफ 5 याकूट। भाई आपकी यार आपकी पसंद की चीजें भी इतनी हेल्दी क्यों होती है यार? मतलब वैसे एक बात बताओ, याकूट लो, याकूट है मैं कहूं। अरे हम लोग वहाँ प्री वेडिंग के लिए गए थे ना, हम लोग प्री वेडिंग के लिए गए थे, सुबह सुबह 9 बजे याकूट खरीद रहा है। मैं अब अपनी फेवरेट चीज बताओ जो मुझे ही नहीं पता कौन सी है। अंडर दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज फेवरेट, बताओ। नहीं पता कौन सी है। चटकारी वाली, सफर में भी हम कहीं लेके जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं ना बोली। Yes. ये खास सब जरूरत है, जितना इतना खा पी रहे इसकी सख्त जरूरत है। नमकीन तो 7500 पड़ी हुई है, 7500 पापा कह रहे हैं। गेम तो नमकीनों की होनी चाहिए, ये सारी गेम में ऐसे कैसे होगा? हम बहाना क्या बनाते, किस लिए लाए हैं? बहाना कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, इसे घर में सब समझ जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं थी। नमकीन के तो डिब्बे इतने अंदर पड़े, नमकीन क्या करेंगे? अब बताओ इसमें दो चीजें और है जो एक नम्रता ने ली है, दो चीजें हैं, एक तो बहुत ही जो खट्टी होती है चीज वो तेरे उसमें डलती इमली। है इमली वाली गोली, वेरी नाइस। ये कैसी इमली वाली गोली? ये तो साबुत इमली है, इतना वो ऐसे इमली का चम्मच निकाल के ऊपर रख देते हैं। ये चटकारे वाली होती है। जो लास्ट है जो नम्रता को बहुत अच्छी लगती है और जो मैं इनको भी हंसी आ गई थी देख के, बड़ी स्वीट सी चीज है। ये तो बचपन में खाते थे। अरे बचपन में खाते थे ना, ये मोबाइल वाला है ना, बाकी सबने मना कर दिया कि नहीं खाते। मैंने मना कर दिया था, मैं क्या अब नहीं खाते। नहीं कोई तो, बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, ऑलवेज कीप द चाइल्ड इन यू अलाइव। यही मैंने बोला था, यही मैंने ऑलवेज। आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं, सबने काफी सारा काम करा और कल कल बहुत स्पेशल डे है। क्या ही बोलो, मतलब कि जो क्या नाम है, बचपन में वो पिकनिक पिकनिक भी जाते थे ना, ऐसी चीज उठाई है। हाँ तो वही तो बचपन हमेशा ऐसा है भाई साहब, तो बोल तुसी रहे हो खांदे तुसी भी मिलना मैंने, ऐवें बस बोल दियो बोलन ले। ये तो मैं खा दूंगा, ये मैं खा दूंगा। ये आपके लिए भी है क्या? हम दोनों ने एक ही लिया है। कल इसका नाश्ता करेंगे, कल तो नाश्ता किसी और चीज का। इसका नाश्ता करना है या फिर रात के 4 बजे ये खानी है? देख ले भाई, 4 बजे मैगी। एक्चुअली ना मैंने इसी ले लिया था, मैं ये रात उठ के मैगियां बनाते हो भाई, ये कुछ हेल्दी चीज उठ के खा लिया करो भाई। क्या रे चेहरे पे आ गई लाली, गुड डे, गुड डे, टुमारो इज अ गुड डे। संडे को पूरा ब्लॉग आएगा बड़े बाजी पे। एंजॉय, हंसते खेलते रहो, सब मस्ती करो।